Hello, what's up guys? This is Mohit Walia and you are watching our YouTube channel This Hint a Ninja. अभी क्या कर रहे हो तुम लोग? खैर तो मैं एक बार फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। आई होप कि आप लोग थंबनेल तो पढ़े ही होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस बकचोदी। आज हम बात करने वाले हैं लड़कों का दिल का धड़कन, पेरेंट्स का दिमाग का टेंशन और रिलेशनशिप में होने वाले ब्रेकअप का रीजन पबजी के बारे में। तो पबजी में बहुत प्रकार के कीड़े होते हैं, तो आज हम इन्हीं कीड़ों के बारे में भसड़ मचाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। ए के जी चाचा गुस्सा हो गए यार, रे चमन शुरू कर। जब बात पब्स में विभिन्न प्रकार के कीड़ों की होती है तो इनमें सबसे पहले ये ऑटो मैचिंग वाले आते हैं, जिन्हें नोबो जाने बोलो तो ये झरकी जाते हैं, पूछे इनकी बोलो तो ये गुटका में ये बीमल खाते हैं। बल बोलो जुबा कीसरे। चलो जैसे तैसे इनको झेल लेते हैं, लेकिन उनका क्या करे जो माइक ही ऑन नहीं करते हैं। कोई बंदा अपने जिंदगी का अंतिम सांस ले रहा हो, रिवाइव के लिए तड़प रहा हो, लेकिन इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। इनको माइक ऑन नहीं करना है तो नहीं करना, और इनके इन्हीं हरकतों के कारण परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। इसके बाद आते हैं वो प्राणी जिनका माइक ऑन तो रहता है, लेकिन उनमें से उनकी आवाज छोड़कर दुनिया भर की सभी आवाजें आती है। कहीं जेसीबी चलने की आवाज, कहीं पटाखे फूटने की आवाज, और ना जाने कौन कौन सी आवाज। ये वाली आवाज नहीं आती है, बट ये चमन चुतिया साला कुछ भी डाल देता है। तो ऑटो मैचिंग के बाद आते हैं ये लॉबी वाले प्लेयर, जहां लोग उछलते कुत्ते अपने सस्ते कपड़ों का शो अप करते हैं। वही मेरे ऐसे प्राणी रॉयल पास वाले बंदों के पास जाकर बस एक ही बात बोलते हैं, आप दो ना, आप दो ना, आप दो। लाज मगर ना, तने आग आकर छोड़ी जो ये छे। बहुत ही कम चांस रहता है कि मुझ जैसे भिखारियों को अच्छे कपड़े मिल पाए। लेकिन यार मैं उन रॉयल पास वाले बंदों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि तुमने भी कुछ उखाड़ा नहीं है, मतलब तुम भी आई हो, हम भी आई हैं। तो भैया लॉबी वाले प्लेयर के बताते हैं हमारे लैंड कराने वाले भैया, जिन्हें हम 100-200 एक्स्ट्रा देकर बोलते हैं कि भैया लैंड करा दो। लेकिन ये हमारे भैया सिर्फ दो ही जगह लैंड कराते हैं, पहली ऐसी जगह जहाँ 4-5 स्क्वाड एक साथ आ जाती, फिर मेरे से नूबड़े का सिर्फ एक ही रिएक्शन होता है, मैं माता चोलू जो इसमें आया। लैंड कराने वाले भैया हमें दूसरी ऐसी जगह लैंड कराते जहाँ हमारे अलावा दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता, यहाँ तक कि साला बॉट को भी वहाँ का रास्ता नहीं पता रहता। जैसे तैसे हम लैंड हो गए। इसके बाद बारी आती है कुछ लूट करने की, तो इसमें भी कुछ ऐसे हरामी होते हैं जो हमारे घर को पूरे ऐसे साफ करते हैं, जैसे मियां आंटी जॉनी भैया का प्रसाद। और मेरे ऐसे नुबड़े प्राणी को सिर्फ एक ही गट्टा मिलता है, जिससे बॉट कभी टट्टा नहीं फूटता। साला बॉट भी हमसे ज्यादा सामान लेकर घूमता है, साला नुबड़े की जिंदगी। लूट करने के बाद ये प्राणी ऐसे भागते हैं, सारे बंदे टीम पूछ इनके में होती है, लेकिन ये भैया मिलिट्री बेस जाके पहुंचते हैं और नॉक हो जाते हैं। लेकिन नॉक होने के बाद भी इनका रंडी रोना खत्म नहीं होता, इसके बाद भी ये रिवाइव होने के लिए चिल्लाते हैं, अबे साले कभी। और इनसे पूछो तो कि भैया तुम मिलिट्री बेस क्यों पहुंचे थे, तो इनका एक ही जवाब होता है कि किल नहीं मिल रहे थे तो गुस्से में। माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अब ये सस्ते प्रो प्लेयर मरने के बाद भी तुम्हें चैन से खेलने नहीं देते, तुम्हें एक्सपेक्ट करके एनिमीज की ऐसी सस्ती लोकेशन बताएंगे जैसे गूगल मैप इन्हीं का चाचा हो। लेकिन मजे की बात ये है कि इनकी लोकेशन कुछ ऐसी होती है, भाई राइट में बंदे हैं, भाई लेफ्ट में बंदे हैं, भाई 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 पत्थर के पीछे बंदे हैं, वो पिक ले रहा है, वो देख डायनेमो उड़ रहा है, वो देख मॉर्टल मर रहा है। अरे मेरे भाई के बहन के पकौड़े। माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। और इस सस्ती डायरेक्शन के चक्कर में तुम्हारी भी डायरेक्ट कवर जरूर खुद जाती है। तो भाइयों और उनके बहनों, लेडीज और लेडीज, पेरेंट्स और पेरेंटास, आंटीज और अंटास, तो अगर तुम इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में #part2 लिख देना। और दोस्तों प्लीज, जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, टाटा बाय बाय, सायोनारा। आएंगे मेरे फैन मुझसे मिलने शूट पे, रुकते फिर
दिक्कतों को भूल कर झूठ दे गलत मोड़ पे खड़ी है मेरी जिंदगी।